नमस्कार नमस्कार सर, आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सब लोगों की आभारी हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल के आए। सर, मुझे आप अभी बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था जब हम लोग रिसर्च के लिए आपके पास गए थे। आज लगता है वो सही में सार्थक हुआ आपका वो डांट खाना उस समय कि जो तुम लोग अगर भक्ति और खास करके पांडुलिपियों पे काम नहीं करना है तो किसी और को सुपरवाइजर चुन लो, विषय तो मेरा ही होगा। सच में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपकी प्रेरणा से मैं संत दरिया बिहार वाले पर मैं शोध कर पाई इस टैबू के साथ कि अगर इस ग्रंथ पर कोई काम करेगा, छुएगा, तो वो विनाश को प्राप्त होगा। और सर, आप जानते हैं कि मेरी माँ अब तक आपसे नाराज हैं कि मेरे संघर्ष का, और अभी तक वो ये भी मानती हैं कि मेरी किताब नहीं आ पाई, उसमें भी कहीं ना कहीं वो दरिया पंथ वाली बात है जिसके कारण मैं काम नहीं पूरा कर पा रही हूँ। तो सर जी सर, और वो रोज़ पूजा करती हैं, मंदिर में दरिया साहब का फोटो लगा के रखती हैं, और उसके लिए अभी तक आपको ही वो मानती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, इतना संघर्ष मेरे जीवन में आपकी वजह से रहा। तो सर, मैं आभारी हूँ कि मैं आपकी प्रेरणा से काम कर पाई। मैं डॉक्टर सुधानी केतन रंजनी, एमएम महिला कॉलेज आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है, कॉलेज है, वहाँ मैं अभी विभागाध्यक्ष हूँ हिंदी में। और जी जी, मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साउथ एशियन स्टडीज़ का। सर, बात तो बहुत सारी है, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसा कि वाजपेयी सर ने कहा कि 105 पृष्ठ की भूमिका आपने इसमें दी है, तो सर वो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आ सकता था, लेकिन आपने इसकी भूमिका में आपने लिखा। दूसरा ये कि सर, इतना मेहनत किया तो आप व्याख्या भी कर देते, हमें पढ़ाने में थोड़ी सुविधा हो जाती। दूसरे सवाल का जवाब पहले, तुम दोनों चूंकि क्लास कर चुकी हो मेरे साथ, तो तुम्हें याद होगा कि मैं कबीर के एक एक पद की व्याख्या दो दो क्लास तक करता रहता था। अगर उस तरह की व्याख्या प्रिंट में होती तो पुस्तक का आकार 500 की जगह 5000 पृष्ठ, जो कि जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि पढ़ने में क्या, उठाने में कठिनाई हो जाती। अच्छा, ये तो खैर अपनी जगह, लेकिन गंभीर बात यह है कि व्याख्या करना मेरा काम नहीं। कबीर या किसी भी कवि के पाठ में जो एक खुलापन होता है, जो उसको पढ़ने की एक ओपननेस होती है, उसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। आज जब सुभाष जी वो पद गा रही थी, साधो देखो जब बोराना, या वो पद अलह राम, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को क्लास में, तुम्हारे बाद पहले 50 लोगों को, और मुझे संतोष इस बात का है कि हर अगले साल पिछले साल से कुछ अलग मैंने उस पद में पढ़ा है और पढ़ाया है। इसलिए व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती, पद सामने हैं, जिसको जैसे पढ़ना है पढ़ ले, ये मैं कोई कुंजी नहीं तैयार करता। इसलिए वो व्याख्या अपनी जगह है, और जो लंबी भूमिका की बात है, और अलग किताब हो सकती थी, बेशक हो सकती थी, और इसमें जो बातें हैं वो संभवतः कहानी के अगले संस्करण में मैं डाल दूंगा, लेकिन जब आप कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं, और ख़ास करके एक ऐसा संस्करण जो ये कह रहा है कि परिमार्जित संस्करण है और मूल श्रेय बाबू श्याम सुंदर दास का है, तो इस पिछले 100 साल में कबीर अध्ययन में क्या हुआ है, किस तरह की बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है, और कबीर को मैं किस तरह देखता हूँ ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, मुझे लगता है कि ये जानने का अधिकार हर उस पाठक को है जो ग्रंथावली खरीद कर पढ़ता है। इसलिए वो लंबी भूमिका, भले ही वो बहुत लंबी हो, वाजपेयी जी ने जैसा कहा कि कुछ लोग चाहें तो उसे पढ़ने से विरत हो जाएं, अब पढ़ने से व्रत तो वाजपेयी जी लोग कबीर को पढ़ने से भी हो सकते हैं, उसका क्या किया जा सकता है, लेकिन वो भूमिका मैंने इसलिए लिखी है ताकि उन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखा जा सके।
जी आप सभी को नमस्कार. पहले तो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के इस परिमार्जित संस्करण की बधाई और राजकमल प्रकाशन को बधाई जिन्होंने ये सुंदर स्वरूप सुंदर रूप दिया है इस ग्रंथावली को. तो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का जो वो भीष्म प्रण था कि जो पांडुलिपियों पर शोध करेगा उसी के साथ मैं काम करूँगा, जो 2003-04 में उन्होंने बात कही थी उसकी गाज जो 3-4 लोगों पे गिरी थी उनमें से मैं भी एक था. तो 2003 से 5 तक हमारा जेएनयू में पढ़ता था, एमए हिंदी का बैच था, उसमें एक पेपर पढ़ाया जाता था. उस पेपर का नाम था डिटेल स्टडी ऑफ ए मेजर ऑथर. सौभाग्य था हमारा कि उसमें हमने कबीर का पर्चा लिया, कबीर का कोर्स लिया. उस दौरान कबीर के पाठों पर एक नई चर्चा शुरू हुई थी. वो चर्चा शुरू हुई जब 2000 में विनांत कैलवर्ट का मिलेनियम कबीर वाणी आया और उन्होंने 1570 से लेकर 1680 तक की 100 पांडुलिपियों पर आधारित एक संकलन बनाया. उससे कुछ 6-7 साल पहले 1993 में गोपाल दास की सर्वंगी 1627 की वाणी संकलन आ गया था. उससे कुछ साल पहले फतेहपुर मैनुस्क्रिप्ट जिसको पद सूरदास का कहते हैं जिसमें कबीर के प्राचीन 15 पद हैं वो आ चुके थे. इन सब पर हम प्रोफेसर अग्रवाल की क्लास में पर्चे लिखते थे, बहस होती थी. उसमें एक चीज़ जो आप रेखांकित करते थे वो था श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथावली का महत्व, क्योंकि जो 595 पद जिनको 100 साल की पांडुलिपियों पर आधारित विनांत कैलवर्ट ने कबीर के प्रामाणिक पाठ को माना था उनमें से करीब 490 के आसपास पद श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथावली में पहले से थे. तो ये परिमार्जित संस्करण एक तरह से उस ग्रंथावली की महत्ता को, उस ग्रंथावली के की प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करता है. तो बस मेरा सवाल ये है कि उस ग्रंथावली के आपने जब आपने माना कि ये प्रामाणिक सबसे कबीर ग्रंथावली का पाठ है उसके परिमार्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मिला हुआ क्वेश्चन है, बस उसको मैं बोल देना चाहती हूँ ताकि एक ही साथ जवाब मिल जाए. सर, कबीर पंथी जो हैं वो बीजक को महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं. तो सर साथ में उसके ये भी कि वो लोग कैसे क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, आप कैसे? एक तो चूँकि आप लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं तो मुझे याद है कि शायद आप 4 लोग एक साथ आए थे. आप थी और टाइलर विलियम्स और सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज. तो किसी को उपन्यास पर करना था काम, किसी को आत्मकथा पर, किसी को कहानी पर. तो मैंने कहा कि चॉइस इज वेरी सिंपल, एदर द प्रोफेसर और द टॉपिक. अगर टॉपिक अपनी मर्जी का लेना है तो प्रोफेसर जे एन यू में हमारे साथ और लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, किसी के भी साथ आप जा सकते हैं. अगर मेरे साथ काम करना है तो सिवाय भक्ति के और वो भी पांडुलिपि पर, किसी ना किसी पांडुलिपि को खोजना होगा, छपी हुई भी है तो उसको नए सिरे से देखना होगा, वरना मेरे साथ काम करने का कोई चांस नहीं. अब उसके नतीजे अच्छे निकले बुरे निकले वो आप लोग जाने, लेकिन आप दोनों के किस्मत तो कह सकता हूँ कि ठीक ठाक ही निकले नतीजे. अच्छे काम हो गए, दलपत ने बहुत अच्छा काम किया गोपालदास की सर्वंगी पर, सुधा ने बहुत बढ़िया काम किया है दरिया साहब पर, और दलपत की अभी जो नई किताब आई है सुंदर के स्वप्न उसकी अच्छी चर्चा है, महत्वपूर्ण किताब है. तो कुल मिलाकर ठीक ही. अब जो सवाल आप दोनों ने पूछे, देखिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि ग्रंथावली का आधार क्या है. ग्रंथावली नाम श्याम सुंदर दास जी का दिया और उन्होंने आधार बनाया 2 पांडुलिपियों को जिनमें से एक के बारे में उनका कहना था कि ये 1561 विक्रमी यानी 1504 ईस्वी यानी कबीर के निधन की जो तिथि मानी जाती है उसके 14 साल पहले, इसका मतलब बेहद प्रमाणिक हो जाती है तिथि. लेकिन उसकी प्रमाणिकता पर बाद में संदेह उठे, उनकी चर्चा मैंने की है भूमिका में. दूसरी एक और पांडुलिपि उनके पास थी जो 18वीं सदी की थी, उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथावली तैयार की. मैं बार बार ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है और वो अभी तक चली आई है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति और साहित्य पर व्यवस्थित ढंग से ध्यान केवल अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पद्धति आने के बाद दिया गया. ऐसा है नहीं, वो दिया गया, बड़ा महत्वपूर्ण काम उसके तहत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले किसी तरह से कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता था. मिसाल के तौर पर खुद मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में लिखा है
कबीर पर पहला वैचारिक ढंग से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, कोई यूरोपियन ही था। लेकिन अब यहाँ अवधेश पांडे हमारे विद्यार्थी मौजूद हैं, उन्होंने पारख मार्ग पर काम किया है। वास्तविकता ये है कि कबीर बीजक पर पहली वैचारिक और विवादमूलक टीका तो राम रहस्य आपने बीजक लेके जाने के या संपादित होने के 200 साल बाद 17वीं सदी में लिखी थी, और उसके बाद पूरन साहब की प्रसिद्ध टीका जिसका विश्वनाथ प्रसाद सिंह द्वारा जवाब, ये सब 19वीं सदी की घटनाएं हैं। और इन लोगों में से किसी का भी अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। तो इस बात को आप यूँ देखें कि विभिन्न पांडुलिपियाँ, जिनमें से एक पांडुलिपि की एक पद्धति थी पंचवाणी, दादूपंथी साधु ये पंचवाणियाँ तैयार करते थे, उसमें दादू की रचनाएँ, कबीर की रचनाएँ और तीन अन्य संतों की रचनाएँ। आदि ग्रंथ की आधारभूत पोथियाँ गोविंदवाल पोथी या मोहन पोथी जिन्हें कहा जाता है। इस तरह की ढेरों पांडुलिपियाँ हैं जो धीरे धीरे खोज में आ रही हैं, सामने आ रही हैं। तो श्याम सुंदर दास जी ने ये जो दो पांडुलिपियाँ देखी, इनके आधार पर पाठ निर्धारण किया। और इन पांडुलिपियों की विशेषता ये थी कि ये किसी पंथ या किसी सेक्ट की जरूरत के मुताबिक तैयार नहीं की गई। जब आप जैसे बीजक की आप बात कर रही हैं, कबीर का प्रसिद्ध पद है जिसमें काशी मगहर समझानी ओछी भगति कैसे उतरे पर, यानी कबीर का वो पद तो सबको प्रसिद्ध है और प्रगतिशील, हम जैसे प्रगतिशील उसको बार बार याद करते हैं कि जो काशी ही तन तजय कबीरा रामे कौन निहुरा रे। लेकिन उन्हीं कबीर का ये भी पद है कि काशी मगर सम कर जानी कैसे ओछी भक्ति कैसे उतरे पर। और ये मेरी जानकारी में एकमात्र स्थान है जहाँ कबीर अपनी भक्ति को ओछी कह रहे। कबीर का आत्मविश्वास तो इस हद तक था कि लोगों ने उन्हें घमंडी कहा है, तो ओछी कह रहे। बीजक में सुधा जी ये पंक्ति हटा दी, क्योंकि बीजक में पंथ प्रवर्तक छवि महत्वपूर्ण। अब पंथ प्रवर्तक के मुंह से कैसे ऊंची कहलवा दे। इसी तरह जो पद आपने गाया अभी वो बीजक में भी है, लेकिन पहली दूसरी पंक्ति के बाद इस पद का जो एरोटिक टोन है वो पूरी तरह एक सिंबॉलिक टोन में तब्दील कर दिया, क्योंकि यही स्थिति आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ में बहुत सी ऐसी रचनाएं छोड़ी गई हैं जो उस विकास परंपरा के हिसाब से अनुकूल नहीं पड़ती। ग्रंथावली में ऐसा कोई हक है, ग्रंथावली कबीर पंथियों की रचना नहीं। जिसको ग्रंथावली कहा गया वो जिन पांडुलिपियों पर आधारित है दलपत जी, वो पांडुलिपियां या तो दादूपंथी साधुओं ने तैयार की हैं या उस तरह इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने तैयार की। तो इसलिए उसमें इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है कि खास तरह से संपादन किया। दूसरी बात, विनांत कैलवर्थ बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम किया है उन्होंने पांडुलिपियों को सामने लाने का। लेकिन उनकी एक विशेषता है, वो अपनी रिसर्च के नतीजों से खुद वाकिफ नहीं होते। रिसर्च करते हैं, खुद उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनकी रिसर्च का इम्प्लीकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर मिलेनियम कबीरवाणी में उन्होंने लिखा, ग्रंथावली समेत सारे कबीर संकलनों के बारे में, कि साहब अब तक के जो कबीर पाठ हैं वो सब कबीर को ब्राह्मणवाद में अप्रोप्रिएट करने के लिए तैयार किए, वैष्णव बनाने के लिए तैयार किए। इसलिए अब इतनी सारी सामग्री हमें प्राप्त हो गई है, वो अपने काम की ओर इशारा कर रहे थे, तो हमें कबीर का एक सर्वथा नया और आधिकारिक पाठ तैयार करना चाहिए। और इसलिए फिर उन्होंने तय किया, और वो 100 नहीं 10 पांडुलिपि 1570 से 1681, तो 10 पांडुलिपियाँ ली, तय किया कि फलाना फलाना पद कैसे, उसका एक स्टार सिस्टम बनाया कि अगर कोई पद दादूपंथी पांडुलिपियों में भी मिलेगा, आदि ग्रंथ में भी मिलेगा, बिहार की किसी पांडुलिपि में भी मिलेगा तो उसको 3 स्टार देंगे, कोई पद कुछ कम में मिलेगा तो 2 स्टार देंगे, किसी को 1 स्टार देंगे, कुछ को स्टार नहीं देंगे, तो 3 स्टार से स्टारलेस। अब जो 3 स्टार पद है, जो खुद विनांत की पद्धति के अनुसार कोर कबीर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पांडुलिपियों में मिलते हैं, ऐसे पदों की संख्या 48 है। और मैंने उन पदों की पहली पंक्तियाँ कथ कहानी में दे दी हैं, उनमें से एक भी पद ऐसा नहीं है जिसे पढ़ के कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी तिलमिला, एक भी पद ऐसा नहीं। काजी मुल्ला तिलमिला सकते हैं, ब्राह्मणों को तिलमिलाने वाली कोई बात उन पदों में नहीं। तो क्या मान लें कि कबीर ने ब्राह्मणवाद का खंडन नहीं किया, जबकि चाहे तुलसीदास हो चाहे और कबीर के समर्थक लोग हों, अनंतदास और पीपा जैसे लोग, उनके यहाँ तो वही छवि उभरती है।
जबकि जो सो कॉल्ड कोर कबीर है वहाँ मामला अलग हो जाता। फिर जब बाकी सारी पांडुलिपियों का उन्होंने संकलन किया और ये सब किया बिनान साहब ने, तो ये खुद उनकी गणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, खुद बिनान की गणना के अनुसार बिनान ने कुल मिलाकर के 593 पदों का संकलन, और उसमें से उन्होंने बताया कि ग्रंथावली के 403 में से 396 पद इन 593 पदों में उपलब्ध, जबकि बीजक के केवल 15 पद हैं, आदि ग्रंथ के भी संभवतः 222 पदों में से लगभग 100-125 पद हैं। यानी अगर खुद विनान की पद्धति से गणना करें तो ग्रंथावली के 99% पद ऐसे हैं जो अधिक से अधिक 1681 तक कबीर कृत मान लिए गए, और तब भी विनान को ग्रंथावली अप्रमाण। इसलिए मैंने कहा कि वो रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, रिसर्च के नतीजे क्या निकल रहे हैं इस पर उनका ध्यान नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूँ, आप देखें ग्रंथावली में आप कबीर को देखें, 10 तरह के मूड कबीर के आपको मिलेंगे। नारी रूप के भी पद मिलेंगे, नारी निंदा के भी पद मिलेंगे, वैष्णव शब्दावली से भरपूर पद भी मिलेंगे, वैष्णव शब्दावली का भरपूर मखौल उड़ाते हुए भी पद मिलेंगे। कबीर ग्रंथावली के आधार पर आप कबीर को नाथपंथी भी साबित कर सकते हैं, सूफी भी साबित कर सकते हैं, वैष्णव भी साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर उस तरह से उपदेशक नहीं थे, कबीर कोई प्रोफेसर नहीं थे, कबीर पोएट थे, और पोएट के तौर पर हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो संवेदनाएं होती हैं, हम उन्हें व्यक्त करते हैं, और उनमें किसी तरह की एक मैकेनिकल कंसिस्टेंसी आपको नहीं खोजनी चाहिए। एक बेसिक कंसिस्टेंसी तो होती है, लेकिन मनोदशाओं का भाव दशाओं का उतार चढ़ाव भी। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो सदा प्रेम की ही नहीं अभिव्यक्ति करते रहते, डांटने भी लगते, और अगर कोई कवि उस प्रेम को लिख रहा हो तो वो दोनों चीज़ें लिख रहा। इसलिए और केवल ये बात नहीं, बिल्कुल ठेठ टेक्निकल ढंग से देखा जाए तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मैंने लिखा भी है विनांत पर थोड़ा तंज करते हुए कि उन्होंने कहा है कि अब हम प्रामाणिक पाठ की खोज करें, तो मैंने लिखा है कि जिस प्रामाणिक पाठ की खोज विनान साहब को है वो सौभाग्य से 1928 में तैयार की गई कबीर ग्रंथावली में पहुंच। ये मुझे जी सुधा जी जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जिन दो पांडुलिपियों पे ग्रंथावली आधारित है श्याम सुंदर दास की, एक पांडुलिपि क है एक पांडुलिपि ख है, तो पांडुलिपि क जो जिसको कहते हैं उसकी पुष्पिका मतलब जहाँ वो पांडुलिपि ख़त्म होती है तो वहाँ जो तारीख और किस स्थान पे लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, वो सूचनाएं आती हैं उसमें। उसका जो समय दिया गया है वो ईसवी सन की गणना के अनुसार 1504 का पड़ता है, और ये कभी उस समय के हिसाब से काफ़ी पहले इतनी जल्दी कबीर के लिए इतनी बड़ी पांडुलिपि कबीर के पदों पर आधारित संग्रहित होना, ये वाकई में एक बड़ी घटना थी, क्योंकि पांडुलिपियाँ संतों की 1570 जिसमें गोविंदवाल पोथी जो सिख पांडुलिपि है या उसके बाद शुरू होती है, इसकी तिथि पे जो विवाद हुआ था, और इसमें आपने बहुत ही कन्विंसिंग ढंग से ये दिखाया है कि एक संभावना बनती है कि वो 1504 में संग्रहित हुई होगी, और अगर न भी हुई होगी तो उसके उसका जो पाठ है वो 16वीं सदी का उत्तरार्ध या 17वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब 1650-60 के पहले तक तैयार हो चुका था। जी माफी चाहता हूँ जी, आप दोनों ये ना भूलें कि ये टेक्स्ट क्रिटिसिज्म की रिसर्च क्लास नहीं जी। इसलिए बातचीत को इतना घनघोर रूप से टेक्निकल ना बनाएं। जी माफी चाहूंगा, लेकिन आपका सवाल अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ये सब चीजें उसमें डिटेल्स में हैं। मतलब ये भूलो मत यार, हम लोग कोई मतलब क्लास में बैठ कर थोड़ी पांडुलिपियों पे कर रहे हैं जो करते रहते हैं, वो हमारा काम है, लेकिन यहाँ और तरह के भी और रुचियों के भी लोग बैठे हैं। लेकिन खैर, इसमें जो आप कह रहे हैं ना, केवल एक उदाहरण उसकी स्पष्टीकरण के तौर पर दूंगा, बाकी वो भूमिका में मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। द्विवेदी जी ने एक तर्क ये दिया था कि एक अक्षर ऐसे लिखा है दूसरा शब्द ऐसे लिखा है तो हिज्जे का जो अंतर है, मैंने इसमें लिखा है कि छापे की इतनी संस्कृति हो गई, इतना मानकीकरण हो गया, फिर भी एक ही आदमी कभी इसलिए के अंत में ए लिख देता है, कभी या के ऊपर एक ही मात्रा लगा देता है, कभी विलंब में अनुस्वार लगा देता है, कभी आधा मा लगा देता है। प्रकाशक भले ही स्टाइल सीट के हिसाब से एक रूपता ले आए, और फिर मैंने उदाहरण दिया है इसका पद सूरदास जी का, उसमें तो एक ही पद में
घर भी लिखा है, घरों भी लिखा है, मन भी लिखा है, मनो भी लिखा है, तो ये कोई आधार नहीं है डिसमिस करने का। एनीवे, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, इस ग्रंथावली की भूमिका में मैंने चर्चा की है, दारा सोको ने 1651 में एक संकलन तैयार किया था हसनात उल आरफीन, यानी अगर हम उसका अनुवाद करें तो कहेंगे संत वाणी, हसनात उल आरफीन। उसमें उन्होंने कबीर के बारे में विस्तार से लिखा है और कबीर की कुछ साखियां उद्धृत की हैं। ये है 1651। रोचक बात यह है कि ये साखियां श्याम सुंदर दास की पहली पांडुलिपि में नहीं, दास जी ने इन्फॉर्म किया है कि ये साखियां पहली पांडुलिपि में नहीं मिली, यानी अगर दास जी के आर्ग्यूमेंट को हम मान लें तो ये साखियां 1504 की पांडुलिपि में नहीं है, लेकिन दारा सिखो को उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि 1504 की वो जो पांडुलिपि है उसके बाद जो रचनाएं हुई या रचनाएं संकलित की गई वो अन्य पांडुलिपियों में संकलित की गई जो हमें मिली हैं, नहीं मिली हैं, और उससे 17वीं सदी के मध्य में दारा सिखो तक। इसलिए ये जो इस पहली पांडुलिपि की प्राचीनता है इसको यूँ डिसमिस नहीं किया जा सकता है कि हिज्जे की हिज्जे में फ़र्क है, स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेलिंग अलग अलग है, ये कोई बहुत कन्विंसिंग आधार नहीं है उसकी पहली पांडुलिपि की प्रामाणिकता डिसमिस करने का। लेकिन उस पर मैं स्वयं बहुत निश्चित रूप से इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने स्वयं वो पांडुलिपि देखी, कभी अवसर मिला, समय मिला और संभव हुआ मैं खुद उस पांडुलिपि को देखूंगा, और जो आज प्राचीनता के परीक्षण के आधार उपलब्ध हैं, हमें विधियां उपलब्ध हैं, उन्हें लागू करके देखेंगे, हो सकता है वाकई 1504 की हो। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होता, ठीक है हर चीज़ की अपवाद होती है, यानी ये सही है कि उस समय आमतौर से किसी एक कवि की कोई पांडुलिपि तैयार नहीं की जाती, एक तरह के डाइजेस्ट तैयार किए जाते थे, कलेक्शन तैयार किए जाते थे, चाहे वो डाकोर वाली पांडुलिपि हो चाहे वो फतेहपुर वाली हो। लेकिन दलपत ये भी तो सही है कि प्रेमदास उत्तराधा ने 16वीं सदी 17वीं सदी के मध्य में केवल कबीर की पांडुलिपि तैयार की, जिसके आधार पर माता प्रसाद गुप्त ने अपनी ग्रंथावली बनाई। तो ये चूंकि ऐसा आम तौर से नहीं होता इसलिए खास तौर से भी नहीं हो सकता, ये कोई तर्क नहीं। जी मेरा प्रश्न सर है, अभी आपने जिक्र भी किया कि कबीर की नारी निंदा या नारी रूप धारण करने वाली जो बात है वो अकत कहानी प्रेम की में भी आया है, इसमें भी आया है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, पढ़ाते समय उसको यूज भी करते हैं। लेकिन सर मेरा प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग है कि उनके जीवन में स्त्रियां थीं, उनकी माँ थी, उनकी जी उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी, तो सर कोई ऐसी किंवदंती जो उनके जीवन से संबंधित हो या उनके बारे में अपनी उपस्थिति स्त्रियां मतलब सीधे सीधे उपस्थिति दर्ज करती हूँ उनके जीवन में। कबीर की एक साखी है जो कबीर ग्रंथावली में संकलित है, लेकिन माना जाता है उस साखी का प्रसंग मैं सुना देता हूँ, बहुत रोचक है और वो तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। कहा जाता है किंवदंती है कि दक्षिण में एक पंडित थे बहुत ज्ञानी, उनका असली नाम लोग भूल गए थे क्योंकि वो शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर देते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था सर्वजीत, सबको जीतने वाला। लेकिन उनकी माँ ने कहा कि जब तक तुम काशी जाकर कबीर को परास्त करके नहीं जाते मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं। तो सर्वजीत जी ने तय किया कि ठीक है कबीर को भी परास्त करते हैं, जब बड़े बड़े आचार्यों और शास्त्रियों को परास्त कर दिया तो ये जुलाहा हमारा क्या बिगाड़ देगा। तो उन्होंने अपनी सारी रेफरेंस लाइब्रेरी एक बैल पर ला दी, सारी पुस्तकें सारे ग्रंथ एक बैल पर ला दे और काशी के लिए निकल पड़े। तो जब काशी पहुंच गए तो एक कुएं पर देखा कुछ लोग पानी वानी भर रहे हैं, कोई लड़कियां औरतें पानी भर रही हैं, पुरुष बैठे हैं। तो उन्होंने अपने बैल को भी पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया और एक लड़की से ऐसे ही सहज रूप से पूछा कि भाई ये कबीर कहाँ रहते हैं। तो लड़की पंडित जी की धजा और उनकी वो मोबाइल लाइब्रेरी जो बैल पर लगी हुई लाइब्रेरी थी उसे देख कर समझ गई कि पूछने का इरादा क्या है, और किंवदंती के अनुसार वो कबीर की पुत्री कमाली थी। और उसने जो उत्तर दिया वो ग्रंथावली में है साखी के तौर पर। जन कबीर का शिखर घर रहा सलेली गैल, पाँव ना टिके पिपल का लोगन लादे बैल। कबीर तो बहुत ऊंचाई पे रहता है और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इतना चिकना और फिसलना है कि उस पर चींटी तक के पाँव फिसलते हैं।
और यार लोग हैं कि बैल लेके उस रास्ते को तो दैट इज वन प्रेजेंस जो आपने कहा। दूसरा जो एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जो अनंतदास की उसमें भी आता है और ये मेरे ख्याल से राग सूरत की में हम चाहें तो पढ़ सकते हैं वहां से। राग सूरठी में दो पद हैं जिनको माया के तौर पर पढ़ा पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर उन पदों को आप पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि वो माया कोई हवाई माया नहीं है, बल्कि कबीर को लुभाने के लिए भेजी गई दो स्त्रियां हैं और वो आकर के कबीर को लुभाने की और सेक्स के साथ जो और सारी चीज़ें हो सकती हैं, सुख आनंद उस सब का प्रलोभन देती हैं। तो पहले पद में वो स्त्रियाँ कुछ कहती हैं और दूसरे पद में कबीर उनका जवाब देते हैं। जवाब कुल मिलाकर के ये है जो उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे कंठस्थ हैं। आए हमारे कहा करोगी हम तो जात कमीना, तहाँ जाओ जहाँ पाट पटंबर अगर चंदन का सलीमा। तो जहाँ बहुत आनंद है सुख है वहाँ जाओ, मैं तो कमीन जात का व्यक्ति हूँ। जो विडंबना है, जो इसमें गहरी पीड़ा से उत्पन्न होने वाला व्यंग है, मैं तो जुलाहा हूँ। आप लोग तो मुझे बाई डेफिनेशन कमीना मानते और फिर भी मुझे लुभाने आ। तो आए हमारे कहा करोगी हम तो जात कमीना, लेकिन वो सब कहने के बाद अंत में जो कबीर कहते हैं वो सचमुच मार्मिक। वो कहते हैं अगर मेरे साथ रह नहीं चाहती हो, अगर मुझ पर ही इतनी मोहित हो गई हो कि आओ रहो मेरे साथ, और ये अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। जाति जुलाहा नाओ कबीरा बन बन फिरो उदासी, आस पास तुम फिर बैठो एक माँ एक मौसी। मैं जाति जुलाहा हूँ, मेरा नाम कबीर है, मैं बन बन घूमता रहता हूँ, आवारा गर्दी करता रहता हूँ, तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, एक माँ की तरह चलो एक मौसी की तरह चलो। तो आस पास फिर बैठो एक माँ एक मौसी। तीसरा जो प्रसंग है सुधा वो भी बहुत विख्यात है कि जब कबीर की माँ ने देखा कि इसने तो हमारे सब मुस्लिम परिवार के रीति रिवाज सब छोड़ कर के ये तो वैष्णव हो गया, तो कबीर ने ये ध्यान देने की बात है मित्रों कि कबीर ने केवल अपनी माँ को एल्यूट किया है, नाम उनका भी नहीं। कबीर के यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ऐतिहासिक व्यक्ति का या समकालिक व्यक्ति का, छोड़ दो तीन साधकों के जिनको हम ऐतिहासिक मानते हैं, गोरखनाथ जयदेव नामदेव, बाकी कबीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, माँ का भी नाम नहीं लेते, लेकिन माँ को एल्यूट करते, माँ की ओर संकेत करते। मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, यही बारक कैसे जीवे खुदाई। कबीर की कि मेरी माँ जो है वो छुप छुप कर रोती है। मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ये बारक कैसे जीवे खुदाई। और जवाब भी अगली पंक्ति में कबीर देते हैं, कहे कबीर पूरन हारा त्रिभुवन राई। मतलब इसने सब काम धाम छोड़ दिया, तन्ना बुन्ना छोड़ दिया, शरीर पर राम राम लिख लिया है, मुंडियों के साथ घूमता रहता है। और वहां फिर मैं बताऊं कि वो जो एक कवित्व तो होता है, और ये अगर किसी को पॉलिटिकली इनकरेक्ट साउंड करे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ कबीर को उद्धृत कर। स्त्रियाँ जो कुछ विशेष प्रकार के कोसने दे दी, तो वो एक पद है हम पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, जिसमें कबीर की माँ वैष्णवों को यानी मुंडियों को, मुंडिया कहते थे वैष्णवों को, तो उनको कोसती है कि इन मुंडियों ने मेरे लड़के को बहका दिया, इन निपूतों का भी सत्यानाश हो इन्होंने मेरे बेटे को बहका दिया है। निपूते शब्द का प्रयोग किया है, यानी आज भी और उस समय के उत्तर भारत में तो निपूता इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एब्यूज। तो लेकिन उसमें फिर यह है अंत में कि ठीक है, वो जो त्रिभुवन राई है, त्रिभुवन का स्वामी है, वो सबकी रक्षा करता है, सबका वो करता है, मेरा भी करेगा। तो इस रूप में कबीर के यहाँ उनकी माँ प्रकट होती हैं, उनकी बेटी प्रकट होती है, और वो दो स्त्रियाँ प्रकट होती हैं जो उन्हें लुभाने के लिए भेजी गई थी और जिनसे कबीर ने कहा कि आस पास फिर बैठो एक माँ एक मौसी। जी कबीर और रामानंद जो गुरु शिष्य संबंध है उस पर आपने बहुत लिखा है, आप
जो पहले से जो बहस चली आ रही थी कि जो स्रोत, जो देश भाषा के स्रोत रामानंद को, जो ब्राह्मण या शास्त्रोक्त ब्राह्मण थे, आचार्य थे, उनको जो राम कबीर का गुरु बताते हैं वो वैष्णव परंपरा से आते हैं। आपने ये दिखाया है कि वैष्णवेतर परंपरा के जो जो स्रोत हैं, जो टेक्स्ट हैं, पाठ है, उसमें भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और दारा शिको की एक आपने इस बार जो नया शो जोड़ा है इस ग्रंथावली की भूमिका में, उसमें आपने ये दिखाया है, और ये बड़ा दिलचस्प लग सकता है जो इस काल पे रिसर्च कर रहे हैं, कि दारा शिको रामानंद का उल्लेख कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि कबीर रामानंद के शिष्य थे, जो उस काल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख है। तो इससे फिर से जो आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमको देश भाषा स्रोतों से को और आदर सहित पढ़ना चाहिए, उस फिर से आप इस पर क्या कहना चाहेंगे देश भाषा स्रोतों के महत्व पर, कबीर के जीवन काल को लेकर आदि? दो एक बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। अच्छा कि आपने सवाल पूछा। कबीर रामानंद संबंध को लेकर के सीरियस एकेडमिक डाउट जो पैदा हुआ वो 1913 में डॉक्टर भंडारकर की किताब के साथ हुआ। 1913 में डॉक्टर भंडारकर ने पुस्तक लिखी थी वैष्णविज्म सेविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम्स। तो उसमें उन्होंने पहली बार ये कहा कि रामानुज तो कबीर से 100 साल पहले हो चुके थे, इसलिए रामानंद और कबीर के संबंध का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये कहा उन्होंने अगस्त संहिता के आधार पर, तथाकथित अगस्त संहिता के आधार। जब से मैंने कबीर पर काम करना शुरू किया या सोचना शुरू किया, मेरे मन में एक सवाल था, और वो सवाल एक तरह की स्थापना में बदला है जो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, चीनी, जापानी, ईसाई, यहूदी, कोई भी परंपरा केवल साजिशों की संदूकची नहीं होती, कोई भी परंपरा केवल बंडल ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं होता। दूसरी बात यह कि ब्राह्मणों की चतुराई और बुद्धिमत्ता को तो और कौन चैलेंज कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में गैर ब्राह्मण जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, क्या इतने बेवकूफ़ थे कि 400 साल तक ब्राह्मण उन्हें मूर्ख बनाते रहे और वे बनते रहे? हम अपने आप को इतना मूर्ख भी ना माने, वैसे तो हम हैं लेकिन इतने भी नहीं। तीसरा मेरा स्थापना यह है कि जो लोग फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन या स्पेनिश नहीं बोलते, वो भी सोचने समझने वाले मनुष्य होते हैं, बुद्धूपन के पिटारे नहीं होते। इन तीनों स्थापनाओं को ध्यान में रखते हुए जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। 400 साल से ये मान्यता चली आ रही है विविध रूपों में कि रामानंद कबीर के गुरु थे। जो महत्वपूर्ण बात जिस पर लोग ध्यान नहीं देते वो ये कि रामानंद के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत स्केची जानकारी, लेकिन ये रोचक है कि रामानंद के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो वर्नाकुलर सोर्सेस से जानते हैं या सूफी तज़किरों से जानते हैं। उस समय की संस्कृत ज्ञान परंपरा के स्रोत रामानंद का नोटिस तक नहीं। फिर ये मान्यता जो है चली आ रही है, और फिर मैंने अपनी उस किताब में विस्तार से दिखाया है अकथ कहानी में कि जिस तथाकथित अगस्त संहिता के आधार पर यह दावा किया गया कि रामानंद कबीर से 100 साल पहले हो चुके थे, यानी 1299 में रामानंद का जन्म हुआ था, उस अगस्त संहिता की रचना असल में 12वीं सदी में, यानी अगस्त संहिता के रचनाकार नहीं हुए, वो है नॉस्ट्रोडामस हो गए कि 100 साल बाद होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो अगस्त संहिता के नाम से प्रचारित किए गए चैप्टर्स, उनकी कहानी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, वो संक्षेप में इसमें भी है। लेकिन एक निवेदन है मेरा, अगस्त संहिता की स्थिति कबीर संबंधी विद्वता में भगवान जैसी हो गई। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, कम से कम मैंने नहीं देखा, लेकिन दिन में 10 बार हम लोग भगवान की कसम खाते हैं। आप कबीर स्कॉलर से किसी से भी पूछ लीजिए कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि रामानंद कबीर से 100 साल पहले हुए, छूटते ही कहेगा कि अगस्त संहिता के आधार पर। पूछिए कि सर अगस्त संहिता देखी है क्या, तो ईमानदार होगा तो उसे कहना पड़ेगा कि नहीं देखी। मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि मैं उन 3 लोगों में से हूं जिन्होंने अगस्त संहिता वाकई। दूसरी है पिनोकिया कराकी, इटली में प्रोफेसर, और तीसरे हैं हंस बाकर। हम 3 लोगों ने अगस्त संहिता को, मेरी जानकारी में, और लोगों ने किया होगा लेकिन मेरी जानकारी में,
हमने अगस्त संहिता का बाकायदा अध्ययन, वो एक अलग किस्सा है, उस टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकद कहानी के प्रकाशन के बाद अधिकांश लोग ये मानने लगे कि मेरी बात में दम है। लेकिन हमारे परम मित्र जॉन हॉली, जिनकी किताब हमने भक्ति मीमांसा में छापी भी है, उनका संदेह अभी भी बरकरार है। उन्होंने अपनी पुस्तक स्टॉर्म ऑफ सॉन्ग्स में मेरा नाम लेकर लिखा कि पुरुषोत्तम जो स्रोत कोट करते हैं वो सबके सब वैष्णव या ब्राह्मण स्रोत हैं, और दबिस्तानी मजाहिब को भी वो जो कोट करते हैं तो वो एक वैष्णव के द्वारा दी गई सूचना को ही वो स्रोत दोहरा रहा है, इसलिए ये बहुत प्रामाणिक नहीं है। इस संबंध का कहीं कोई उल्लेख किसी वैष्णवेतर स्रोत में नहीं मिलता। तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज तो पहले भी था, लेकिन फिर मैंने इस पर खोज शुरू की और जो रोचक चीज़ें सामने आई, यहाँ हमारे मित्र प्रोफेसर अखलाक खान बैठे हैं, उनसे और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर रिचर्ड लीटन की मदद से मैंने हसनात उल आरफीन का प्रामाणिक पाठ प्राप्त किया, और उसमें जो रामानंद और कबीर संबंधी उल्लेख है उसका उनसे अनुवाद करने की प्रार्थना। तो प्रोफेसर खान ने जो अनुवाद किया वो जाहिर है कि फारसी के विद्वान हैं, तो उन्होंने जो अनुवाद किया उसमें फारसी की शब्दावली और मुहावरे की छटा है वो फारसी से ही अनुवाद किया गया, उन्होंने हिंदी में किया है उसको, फारसी उसको बरकरार रखते हुए, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कबीर हिंदुस्तान के आरिफों में से हैं, वे अपने ढंग के पेशवा हैं, मुर्शिद हैं, बानी हैं और रामानंद के पैरों। पेशवा, मुर्शिद, बानी यानी लीडर, थिंकर, लेकिन रामानंद के पैरों यानी फॉलोअर। वे हिंदुस्तान के फुकरा में से एक थे। कबीर अगरचे बुनकर थे लेकिन अजीम बुनकर थे, उनके असार में तौहीद बहुत ज़्यादा है जो उन्होंने हिंदुस्तानी जुबान में कही। मुसलमान उनको मुसलमान समझते हैं और गैर मुस्लिम उन्हें गैर मुस्लिम समझते हैं, लेकिन वे खुद इन दोनों से ऊपर हैं। जब उनकी हालत नजा हो गई यानी जब मौत करीब आई, तो मुसलमानों ने उनसे पूछा कि क्या हम आपको दफन करेंगे, गैर मुस्लिमों ने भी पूछा कि क्या हम आपको जलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कमरे में बाद में देख लेना, जो कुछ तुम्हें मिले उसी हिसाब से करना। और कबीर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में जब कमरा खोला गया तो चंद फूल थे, और इस तरह दोनों फिक्रों का झगड़ा खत्म हुआ। और ये केवल दारा सुकूनी, मैंने इसमें कम से कम 3 सूफी तस्करों से उद्धरण दिए हैं जिनमें साफ तौर से रामानंद मुड़िया को कबीर का गुरु कहा। और बात दलपत जी केवल कबीर और रामानंद के संबंध की नहीं है, जिसकी ओर वाजपेयी जी ने संकेत किया। रामानंद और कबीर के संबंध में मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है कि उस काल के भारतीय समाज में संवाद के जो स्तर थे, उस काल के भारतीय समाज में परस्पर संघर्ष के बावजूद जो एक दूसरे के निकट आने से एक नई संस्कृति अनिवार्यतः उत्पन्न होती है, ये संबंध उसका भी जबरदस्त रूप है। और केवल यही संबंध नहीं, संयोग नहीं है कि नाभादास रामानंद को रघुनाथ द्वारा बनाया गया दूसरा पुल कहते सूफी तस्करों से मैंने उदाहरण दिए, और उसमें रामानंद के बाद के मजेदार उदाहरण, एक उदाहरण बहुत ही रोचक है, मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। अवध में एक सूफी साध थे और एक बैरागी यानी रामानंदी साधु थे, उनका नाम था चंपत, और सूफी साधक जो थे उनका नाम था शहाबुद्दीन रज्जाक। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, और किस तरह की दोस्ती थी और किस तरह की साधना परंपरा थी। चंपत जी के एक शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि मुझे कृष्ण जी के दर्शन करवाइए, तो चंपत जी ने कहा कि कृष्ण जी मेरी कम सुनते हैं, शाह साहब की ज़्यादा सुनते हैं, उनसे कहो तो दे देंगे दर्शन, मेरे कहने पर भगवान जाने देंगे। उसी तस्करे में आगे जिक्र ये कि शाह साहब एक बार दकन गए और नमाज पढ़ने लगे तो एक घुड़सवार पास आके खड़ा हो गया। शाह साहब ने कहा भाई क्या, बोले नहीं आप नमाज पढ़िए, मैं आपकी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ, कोई जानवर अनवर आपको तंग ना करे। तो नमाज पूरी हो गई तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन, बोले चलिए मैं आपको अपने बड़े भाई से भी मिलने वाता हूँ। मित्रों ये सब किंवदंतियाँ, ये कहकर कोई तीर नहीं मार रहे हम, ये कहकर के किंवदंती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किंवदंती है, महत्वपूर्ण ये कि किंवदंती जता क्या दी। तो ले गए अपने बड़े भाई के पास, मालूम पड़ा कि वो जो घुड़सवार और उनके बड़े भाई थे वो राम और लक्ष्मण थे, और चूँकि शाह साहब अवध के थे तो अपने हम वतन की हिफाजत करना और देखभाल करना राम लक्ष्मण का दायित्व। चाहे किंवदंती है, ये कहकर कोई बड़ा भाई साइंटिफिक तीर नहीं मार रहे आपके, ये किंवदंती है, हर आदमी जानता है कि किंवदंती। लेकिन कोई भी समाज किंवदंतियों के जरिए क्या सोच रहा है, क्या सुरक्षित कर रहा है, कैसे कह रहा है, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि किंवदंती और रियलिस्टिक लैंग्वेज
ये दोनों एक तरह से अलग अलग भाषाएं हैं जिनमें अनुवाद करने के लिए दोनों के ग्रामर की जानकारी जरूरी, वरना वही हाल होगा। बहुत मशहूर चुटकुला है कि किसी से कहा कि भाई अनुवाद कीजिए कि लाला जी चांदनी चौक में टहल रहे थे, तो अगले ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ब्रिंग ब्रिंग हार्ट वॉज वॉकिंग इन द मूनलाइट यार। किंवदंती है या कथा है, पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी समुद्र एक छलांग में पार कर गए थे। मुझे तो आज तक हनुमान जी का कोई भक्त ऐसा मिला नहीं जो एक छोटी सी नाली सामने आ जाने पर भी छलांग मारने के चक्कर में पड़ा, क्योंकि जो इन किंवदंतियों में विश्वास करते हैं वो किंवदंती की संभावना भी जानते हैं, मर्यादा भी, वो कथा का अगला हिस्सा भी जानते हैं कि राम और उनकी सेना को पुल बनाना पड़ा। तो किंवदंती छलांग के बारे में नहीं है, किंवदंती हनुमान के पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा के बारे में। ठीक उसी तरह शाह साहब की और चंपत जी की किंवदंती कृष्ण जी दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं, मुझे तो दिए नहीं आ सकता और मुझे देंगे भी क्यों, लेकिन किंवदंती उस नई विकसित हो रही संस्कृति के बारे में जो लगातार अंडर अटैक रही है और इस समय अनप्रेसिडेंटेड रूप से अंडर अटैक। इसलिए रामानंद और कबीर का संबंध एक तरफ तो एक ऐतिहासिक तथ्य है मेरे लिए और दूसरी तरफ एक सांस्कृतिक रूपक है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, हमें इतिहास को वर्तमान राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वाजपेयी जी ने संकेत किया था उस तरफ मेरी भूमिका का हवाला देते हुए, इतिहास का जो अतीत की अतीतता है, अतीत का जो स्वायत्त अस्तित्व है, उसको नहीं नकारना चाहिए। वर्तमान निश्चित रूप से अतीत से जुड़ा होता है, लेकिन पास्ट ने ऐसा पास्ट इन एकेडमिक्स मस्ट बी ट्रीटेड एज सेक्रेट, उस अंतर को ध्यान में रखना, वरना वही होगा जिसकी ओर संकेत किया कि अब आपके पास इस सवाल का तो कोई जवाब है नहीं कि अकबर जो मुगल था या मुगल थे, प्रधान सेनापति मानसिंह, वित्त मंत्री टोडरमल, परम प्रिय मित्र बीरबल के नाम से विख्यात महेश दास, औरंगजेब के प्रधान सेनापति जयसिंह और जसवंत सिंह, सॉरी, थैंक यू। अब क्या करेंगे आप, इसको इतिहास को इरेज कर देंगे? अब